अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत दौरे पर आने वाले हैं। भारत आने से पहले ट्रंप काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। ट्रंप और उनकी पत्नी दोनों ने ट्विटर पर इसकी घोषणा भी की थी, लेकिन इसी उत्साह में राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बड़ी गलती कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपनी तुलना को लेकर एक झूठा दावा कर दिया। दरअसल ट्रंप ने शनिवार को एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग के हवाले से कहा कि फेसबुक पर लोकप्रियता के मामले में वो नंबर वन है और दूसरा नंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। हालांकि आंकड़ों के लिहाज से ट्रंप का दावा गलत है। फेसबुक फॉलोवर्स और पेज लाइक्स के मामले में ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत पीछे हैं। ट्रंप के इस दावे को लेकर आंकड़ों पर नजर डालें तो फेसबुक पर डोनाल्ड ट्रंप के फॉलोवर्स की संख्या 2,75,37,170 है, जबकि पीएम मोदी के फॉलोवर्स की संख्या 4,43,79,600 है। ऐसे में कायदे से नंबर वन तो पीएम मोदी हुए, लेकिन ट्रंप ने खुद को नंबर वन बता दिया। देखा जाए तो फेसबुक पर ट्रंप के फॉलोवर्स की संख्या पीएम मोदी से करीब आधी है। हालांकि सक्रियता के मामले में ट्रंप मोदी से बहुत आगे हैं। मोदी ने पिछले एक हफ्ते में फेसबुक पर एक ही पोस्ट किया है, जबकि ट्रंप ने इस दौरान 125 पोस्ट कर डाले हैं। हालांकि इस साल के आखिर में अमेरिका में आने वाले राष्ट्रपति चुनाव के कारण ट्रंप को फेसबुक पर अधिक सक्रिय माना जा सकता है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के दो फेसबुक अकाउंट हैं, राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप नाम का उनका एक अकाउंट 18 मई 2018 से इनएक्टिव यानी निष्क्रिय है। इसे 12 जनवरी 2017 को बनाया गया था और इसके दो एडमिन थे। इस अकाउंट पर उनके 53,87,852 फॉलोवर्स हैं, जबकि पेज लाइक 31,28 है। इस पर 18 मई 2018 को आखिरी पोस्ट किया गया था। वहीं डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा फेसबुक अकाउंट डोनाल्ड जे ट्रंप के नाम से है। इसे 8 अप्रैल 2009 को बनाया गया था। अभी 17 लोग इसके एडमिन हैं। इस पर ट्रंप के फॉलोवर्स की संख्या 2,75,37,218 और पेज लाइक 2,59,63,993 है। इस अकाउंट पर आखिरी अपडेट 12 फरवरी 2020 का है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फेसबुक अकाउंट नरेंद्र मोदी के नाम पर है। इसे 5 मई 2009 को बनाया गया था और इसके 5 एडमिन हैं। प्रधानमंत्री मोदी के फॉलोअर्स की संख्या 4,43,78,656 है, जबकि उनके पेज लाइक्स की संख्या 4,46,22,763 है। आपको बता दें कि ट्रंप ने बुधवार को कहा था कि वह बेहतर संबंधों की उम्मीद लेकर भारत जा रहे हैं। ट्रंप ने पत्रकारों से कहा था कि वे यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे दोस्त हैं और वह एक अच्छे व्यक्ति भी हैं। व्हाइट हाउस ने सोमवार को जानकारी दी थी कि राष्ट्रपति ट्रंप 24 से 25 फरवरी को नई दिल्ली और अहमदाबाद की यात्रा पर आएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर ये उनका पहला भारत दौरा है। इससे पहले बतौर राष्ट्रपति बराक ओबामा 2010 और 2015 में भारत आए थे। भारत दौरे पर केम छो ट्रंप प्रोग्राम होगा। ये कार्यक्रम अहमदाबाद के नवनिर्मित सरदार पटेल स्टेडियम में होगा। इसमें ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड से भी ज्यादा 1,10,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। ये विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट ग्राउंड है। इस स्टेडियम का उद्घाटन भी ट्रंप के हाथों ही होना है। इस कार्यक्रम में 1,00,000 से ज्यादा लोग मौजूद रहेंगे। केम छो कार्यक्रम से पहले मोदी और ट्रंप रोड शो भी करेंगे और साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने पहुंचेंगे। अहमदाबाद एयरपोर्ट से साबरमती आश्रम तक 10 किलोमीटर तक रोड शो करने का प्रोग्राम बनाया गया है। 25 फरवरी को ट्रंप और उनकी पत्नी दिल्ली पहुंचेंगे और मोदी से मुलाकात करेंगे। इस वीडियो पे आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इस तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल द जेड प्लस को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो कर लें। शुक्रिया।